अहंकार का फल। एक समय की बात है, एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। मूर्तिकला के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण उसने अपना संपूर्ण जीवन मूर्तिकला को समर्पित कर दिया था। परिणामतः वह इतना पारंगत हो गया था कि उसकी बनाई हर मूर्ति जीवन प्रतीत होती थी। उसकी बनाई मूर्तियों को देखने वाला उसकी कला की बुरी बुरी प्रशंसा करता था। उसकी कला के चर्चे उसके गांव में ही नहीं बल्कि दूर दूर के नगर और गांव में होने लगी। ऐसी स्थिति में जैसे सामान्य होता है, वैसा ही मूर्तिकार के साथ भी हुआ। उसके भीतर अहंकार की भावना जागृत हो गई। वह स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार मानने लगा। उम्र बढ़ने के साथ जब उसका अंत समय निकट आने लगा, तो वह मृत्यु से बचने की युक्ति सोचने लगा। वह किसी भी तरह स्वयं को यमदूत की दृष्टि से बचाना चाहता था, ताकि वह उसके प्राण ना हर सके। अंततः उससे एक युक्ति सूझी गई। उसने अपनी बेमिसाल मूर्ति कला का प्रदर्शन करते हुए 10 मूर्तियां का निर्माण किया। वे सभी मूर्तियां दिखने में हुबहू उसके समान थी। निमृत होने के पश्चात सभी मूर्तियां इतनी जीवन प्रतीत होने लगी कि मूर्तियां और मूर्तिकार में कोई अंतर ही ना रहा। मूर्तिकार उन मूर्तियों के मध्य जाकर बैठ गया। युक्ति अनुसार यमदूत का उसे इन मूर्तियों के मध्य पहचान पाना असंभव था। उसकी युक्ति कारगर भी सिद्ध हुई। जब यमदूत उसके प्राण हरने आया, तो 11 एक सरीकी मूर्तियों को देख चकित रह गया। वह उन मूर्तियों में अंतर कर पाने में असमर्थ था, किंतु उसे ज्ञात था कि इन्हीं मूर्तियों के मध्य मूर्तिकार छुपा बैठा है। मूर्तिकार के प्राण हरने के लिए उसने पहचान आवश्यक थी। उसके प्राण न हर पाने का अर्थ था प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाना। प्रकृति के नियम के अनुसार मूर्तिकार का अंत समय आ चुका था। मूर्तिकार की पहचान करने यमदूत हर मूर्ति को तोड़कर देख सकता था, किंतु वह कला का अपमान नहीं करना चाहता था। इसलिए वह इस समस्या का उसने एक अलग ही तोड़ निकला। उसे मूर्तिकार के अहंकार का बोध था। अंततः उसके अहंकार पर चोट करते हुए वह बोला, वास्तव में सब मूर्तियां कला महकथा और सौंदर्य का अद्भुत संगम है, किंतु मूर्तिकार एक श्रुति कर बैठा। यदि वो मेरा सम्मुख होता, तो मैं उसे उस श्रुति से अवगत करा पाता। अपनी मूर्ति में श्रुति की बात सुन अहंकारी मूर्तिकार का अहंकार जाग गया। उससे रहा नहीं गया और जट से अपने स्थान से उठ बैठा और यमदूत से बोला, श्रुति, असंभव, मेरी बनाई मूर्तियां सर्वदा श्रुतिहीन होती है।
यमदूत की युक्ति काम कर चुकी थी। उसने मूर्तिकार को पकड़ लिया और बोला, बेजान मूर्तियां बोला नहीं सकती और तुम बोल पड़े। यही तुम्हारी छुट्टी है कि अपने अहंकार पर तुम्हारा कोई बस नहीं। यमदूत मूर्तिकार के प्राण हर यमलोक वापस चला गया। सीख अहंकार विनाश का कारण है, इसलिए अहंकार को कभी भी युद्ध पर हवा ना होनी दें।